हेलो स्टूडेंट्स यू आर डूइंग वेल आई विल बी योर टीचर फॉर दिस लेक्चर द टॉपिक नेम इज़ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिस इज टेकन फ्रॉम एन सी आर टी क्लास ट्वेल्थ यूनिट सिक्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसलेशन आज की क्लास में हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वॉट इज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एम आर एन ए ट्रांसलेशन क्या होता है जिसपे हम प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं एम आर एन ए से एम आर एन ए में क्या होता है एम आर एन ए कंटेंस ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसलेट होती है किस में दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसलेटेड इन टू द एमिनो एसिड सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ टी आर एन ए हेल्प से टी आर एन ए की हेल्प से जो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एम आर एन ए में प्रेजेंट होती है वो एमिनो एसिड में ट्रांसलेट हो जाती है और ये एमिनो एसिड्स मिलके

इसको हम एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन ए भी कहते हैं ओके एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टी आर एन सो दीज आर द टी आर एन ए मॉलिक्यूल्स टी आर एन ए मॉलिक्यूल्स में वी कैन सी दीज आर ये डिफरेंट कलर्स के जो हैं ये बेसिस हैं ये डिफरेंट कलर्स के जो हैं ये बेसिस हैं ये टी आर एन ए मॉलिक्यूल क्या करता है ये टी आर एन ए मॉलिक्यूल जो है अपनी बेसिस के अकॉर्डिंग से ये जाके एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी ये टीआरएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये जाके एमिनो एसिड के साथ लिंक कर जाता है और जबकि एमिनो एसिड के साथ लिंक करता है तभी टीआरएनए जो है वो एक्टिवेट होता है और दिस एक्टिवेशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ए सो एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटिड इन प्रेजेंस ऑफ ए एंड लिंक टू कॉर्सपॉन्डिंग टी आर एन ए कॉर्सपॉन्डिंग टी आर एन ए मॉलिक्यूल के साथ जाके एक अ एसिड जुड़ जाता है और ये टीआरएनए करता क्या है ट्रांसफर आरएनए यानी कि ये अमीनो एसिड को लेके आता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन सो रोल क्या है टीआरएनए का इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ओके सेकंड चीज जो हमारे पास यहां इंपॉर्टेंट है वो क्या है राइबोसोम्स राइबोसोम्स जो होते हैं दे एक्ट एज ए बेंच वर्क फॉर ट्रांसलेशन यानी कि वर्क बेंच जहाँ पे कि काम होता है सारा का सारा वो राइबोसोम्स पे ही होता है स्मॉल सब यूनिट अब राइबोसोम्स में जो स्मॉल सब यूनिट होता है दैट टेक्स पार्ट इन दोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये स्मॉल पार्ट क्या करता है ये स्मॉल पार्ट ये स्मॉल पार्ट ये ब्राउन कलर का हम देख सकते हैं ये क्या है ये ये है राइबोसोम का स्मॉल पार्ट इट कम्स इन दर एन एंड इट कम्स इन दर एन ए उसी टाइम पे जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो बिगिन हो जाता है सो दैट टाइम ओनली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन जो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है किसी भी एम में यानी कि जिस यूनिट की ट्रांसलेशन हो रही होती है इट इज फ्लैंक्ड बाय यानी कि बिगनिंग में क्या प्रेजेंट होता है इट इज फ्लैंक्ड बाय स्टॉप कोड ऑन एंड स्टॉप कोड ऑन स्टार्ट कोड ऑन होता है हमारे पास और स्टॉप को होता है सो so, जो एम आर एन ए द रीजन दूनिट ऑफ एम आर एन ए विच इज गेटिंग ट्रांसलेटेड यानी कि जो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं दीज आर दीजन आरस आर वॉट दी आर दिन रीजन विच आर प्रेजेंट ऑन दी एम आर एन ए यूटीआर कहा प्रेजेंट होते हैं ये एम आर एन ए पे प्रेजेंट होते हैं ये अनट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड रीजन्स जो है दे डू नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बट दीज यू टी आर दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, फॉर द एफिशियट ट्रांसलेशन टू टेक प्लेस दीज यू टी आर आर वेरी इम्पॉर्टेंट दे आर वेरी एफिशियंट और दीज यू टी आर रीजन्स दे आर प्रेजेंट बिफोर स्टार्ट कोड ऑन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बिफोर स्टार्ट कोड ऑन यानी कि स्टार्ट कोड़ॉन से पहले जो प्रेजेंट हो हो so 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 होता है हमारे पास एक ट्रांसलेनल uh, यूनिट हो गया उसके बाद हमारे पास क्या हो गया हमारे पास स्टार्ट कोडॉन हो गया यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास स्टॉप कोडॉन हो गया यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट कोडॉन से पहले फाइव प्राइम यू टी आर है यानी कि फाइव प्राइम कोडॉन के बाद हमारे पास थ्री प्राइम utr रीजन है ओके okay. जो इनिशिएशन होती है ट्रांसलेशन की वो कैसे होती है सबसे पहले जो trna है ये क्या करता है द trna रिकॉग्नाइजेस द स्टार्ट कोडॉन ये trna स्टार्ट कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है उसके बाद क्या बनता है trna एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनता है

एमिनो एसिड है दिस इज एमिनो एसिड ये टी आर एन ए क्या करता है ये टी आर एन एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बाइंड करता है टू द कॉरस्पॉन्डिंग कोडॉन जिस भी कोडॉन के पास ये इसके बेस पेयरिंग मैच हो रही होती है यानी कि इसके और इसके बीच में एम आर एन ए पे भी बेसिस प्रेजेंट है इस टी आर एन ए पे भी बेसिस प्रेजेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जहाँ पे होती है वहाँ पे ये आपस में पेयरिंग हो जाती है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ये टीआरएनए क्या करता है टीआरएनए मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन यानी कि एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे मूव करता है और जैसे कि एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन पे मूव करता है वैसे वैसे क्या होता है ये क्या है? ऐसे इलांग होती है और उसके बाद सबसे एंड में क्या होता है एक रिलीज फैक्टर होता है सबसे एंड में क्या होता है एक रिलीज फैक्टर होता है जो कि बाइंड कर देता है किसके पास जाके रिलीज फैक्टर बाइंड टू जब रिलीज फैक्टर बाइंड करता है स्टॉप कोडॉन के पास जाके उस टाइम पे व्हाट हैपन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो टर्मिनेट हो जाता है सो देर आर वेरी इजी थ्री स्टेप्स द फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले जो टी आर एन ए मॉलिक्यूल है वो रिकॉग्नाइज करता है स्टार्ट को और जो स्टार्ट कोडॉन को जैसे ही रिकॉग्नाइज करता है जो टी आर एन एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स है वो वो पे पे के साथ बेस पेयरिंग जुड़ जाता है उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है जो टी आर एन ए है इट जम्प फ्रॉम वन कोडोन टू एन और जैसे जैसे ये जम्प करता है वैसे वैसे एक एक एमिनो एसिड एड होता जाता है दैट इज हाउ द पॉलीपेप्टाइड चेन क्रोज और लास्ट स्टेप में क्या होता है एक रिलीज फैक्टर आता है जो कि स्टॉप कोडॉन के पास जाके जुड़ जाता है जैसे यह रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन के पास जुड़ जाता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज स्टॉप्ड सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आई होप यू अंडरस्टुड द एक्सप्लेनेशन थैंक